मैंने कर दिया ही है कि शुक्रवार को बनता था पुलाव, चना का सब्जी जो सॉरी सलाद, और जो अंडा खाता था उसको अंडा, जो सेब खाता था उसको क्या है, अगले बार भी हो चुका। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। इस वक्त बिहार के अलग अलग जिलों की वो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है जहां पर जो डीएम है वो सरकारी स्कूल में जाकर मिड डे मील का निरीक्षण कर रहे हैं। गड़बड़ी की बात भी सामने आ रही है और सरकार की तरफ से साफ लफ्जों में ये कह दिया गया है कि अगर मिड डे मील में गड़बड़ी पाई गई तो तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे, इस तस्वीर को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बताएं कि ये तस्वीरें सीधे मुंगेर से सामने आई है जहां पर छोटे बच्चे मिड डे मील की थाली लेकर सीधे एसडीओ के दफ्तर पहुंच गए और दफ्तर पहुंचने के साथ ही इन छोटे बच्चों ने अपनी शिकायतें सामने रखी और ये बताया कि किस तरह से उनके स्कूल में मिड डे मील में गड़बड़ी की जा रही है। सबसे पहले आपको मुंगेर की ये तस्वीरें दिखाते हैं, इसके बाद इस वीडियो के बारे में तमाम जानकारी देंगे। इसमें दिक्कत यही है कि शुक्रवार को बनता था पुलाव, चना का सब्जी जो सॉरी सलाद, और जो अंडा खाता था उसको अंडा, जो सेब खाता था उसको सेब, यहाँ क्या है, अगले बार भी हो चुका था। मैंने बगल में अच्छे तुम बोले वीडियो बना के भेज, लेकिन फिर इस बार क्या है, यहाँ का खाना है क्या? बता दें आपको कि बिहार के मुंगेर में मिड डे मील में निर्धारित मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलने का मामला सामने आया है। मुंगेर के एक सरकारी स्कूल की छात्राएं खराब खाना और मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलने के बाद खाने से भरी थाली लेकर उपमंडल अधिकारी के दफ्तर पहुंच गई। उन्होंने एसडीओ को खाना दिखाकर शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में एसडीओ ने एमडीएम प्रभारी, स्कूल के प्रिंसिपल और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से जवाब भी मांगा है। बता दें कि ये मामला मुंगेर के तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के मध्य विद्यालय गोगाचक का है। तारापुर के एसडीओ को पिछले सप्ताह गोगाचक मध्य विद्यालय के छात्रों से मिड डे मील परोसने जाने की शिकायत मिली थी। विरोध स्वरूप छात्राएं अपनी थाली लेकर एसडीओ कार्यालय पहुंच गई। छात्राओं ने एसडीओ रंजीत कुमार को थाली दिखाते हुए भोजन की गुणवत्ता और मेन्यू के अनुसार खाना नहीं मिलने की शिकायत की। स्कूल के एक छात्रा ने कहा कि शुक्रवार को मेन्यू में पुलाव, अंडा, सेब और सलाद था, लेकिन ये दूसरी बार है जब हमें मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं मिला है। ऐसे में छात्राओं ने बताया है कि कई बार शिकायत के बाद भी उन्हें खाना सही नहीं मिलता था, जिसके बाद आखिरकार उन्हें एसडीओ के पास जाना पड़ा। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर एसडीओ की तरफ से तुरंत कार्रवाई भी किए जाने की बात कही गई है और स्कूल के प्रिंसिपल से इस पूरे मामले को लेकर जवाब भी मांगा गया है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर क्यों बिहार के सरकारी स्कूलों से ऐसी तस्वीर हमें देखने को मिलती है जहां बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंचते तो हैं लेकिन कहीं स्कूल में बैठने के लिए बेंच डेस्क का इंतजाम नहीं किया गया है, कहीं पर टीचर नहीं है, तो कहीं पर मिड डे मील में गड़बड़ी पाई जाती है। और यही वजह है कि ये तस्वीरें इस वक्त सीधे मुंगेर से सामने आई हैं जहां पर ये छोटे बच्चे जो हैं, जो छात्राएं हैं, वो खुद एसडीओ के सामने थाली लेकर पहुंची और थाली के साथ ही इन छात्राओं ने अपनी शिकायत जो है वो एसडीओ साहब को बताई है। फिलहाल के इतना ही, ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।